क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.2. फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. आपको एक सेक्टर का एरिया निकालना है और सेक्टर का आपको पहले समझ होना चाहिए कि यदि सिर्फ सेक्टर लिखा है तो इसका अपने आप में मतलब होगा माइनर सेक्टर. ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था. ऑफ ए सर्कल जिसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है और एंगल ऑफ द माइनर सेक्टर इट्सेल्फ, सेक्टर मीन्स माइनर सेक्टर ऑलरेडी, तो ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा. हम आपके लिए एक सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको चीज़ें बड़े आराम से समझ आएँ. ये रहा मान लीजिए वो आपका सर्कल जिसका कोई सेंटर रहा, ये ओ हम यहाँ मार्क कर देते हैं, यहाँ कोई सेंटर रहा. इससे आपको समझ भी आएगा. अब इस समय यदि आप देखें तो इसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है. ये जो अंदर ब्लैक वाइट बाउंड्री के अंदर जो ब्लैक रीजन आपको दिख रहा है, ये सारी जगह जो है वो पाई आर स्क्वायर है. इसके यूनिट सेंटीमीटर हो सकते हैं, मीटर स्क्वायर हो सकते हैं. अब हम आपके साथ एक टेक्निक के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं कि देखिए, फॉर एग्जांपल आपको आपके पास में एक नंबर देता हूँ, 4 मैंने दे दिया एक नंबर. यदि मैं आपको कहूँ कि इस नंबर को छोटा कर दीजिए तो आप क्या करेंगे? छोटा करने के लिए आप इसको गुणा करेंगे 1/2 से, तो ये कितना घट के रह जाएगा? ये 2 रह जाएगा. और यदि मैं आपको कहूँ कि इसको और छोटा कर दीजिए तो 4 को मैं 1/4 से गुणा कर दूंगा, ये 4 का 1 हो जाएगा. यदि अब इन दोनों एग्जांपल्स को ध्यान से देख लीजिए, इसको बड़े ध्यान से देखिए. यहाँ बड़े टेक्निकल चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं. यदि आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, 4 × 2/1 कर दीजिए, तो 4 × 8 बन जाएगा. यदि आप और बड़ा करना चाहते हैं तो 4 × 4/1 कर दीजिए, आप 4 × 16 बन जाएंगे. अब जरा ये टेक्निक क्या है इसको समझने की कोशिश करिए. अब आपने क्या करना है कि इसमें से पूरे सर्कल में से आपको सारा सर्कल नहीं चाहिए, आपको इस सर्कल की छोटी जगह चाहिए, सेक्टर है वो, आपको सिर्फ इतनी जगह चाहिए. ओके, तो इस सेक्टर को जैसे मैं इसको कोई कलर कर दूं तो ये जगह चाहिए आपको. ओके, आप समझने की कोशिश करिए, ये कितना आसान है. ये जो सारा सारा सर्कल है ये है पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर में से यदि आपको ये वाला पार्ट ही चाहिए तो ये जो सारा एंगल होता है, ये वाला पार्ट जैसे थीटा हो गया, ये सेक्टर हो गया, इसी का नाम है कोई ओ हम लिख दें ए, यहाँ ये जो आर के ऊपर पॉइंट पी और ये बी, इसकी ही हमने आपके साथ चर्चा की थी, राइट. अब आप सारे एरिया के बीच में से यदि आपने पाई आर स्क्वायर का छोटा करना है तो जो सारा एंगल है वो 360 डिग्री है. दिस कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री. ओके, दिस कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री. अब आपने देखा टेक्निक क्या है. 4 की जगह यदि हम लिख दें पाई आर स्क्वायर, 4 की जगह हम लिख दें पाई आर स्क्वायर गुणा. जब हमने इसको छोटा करना होता है तो हम न्यूमेरेटर में छोटी चीज लेते हैं और डिनोमिनेटर में बड़ी चीज़ लेते हैं. देखिए जरा, मैं ऊपर ले लूँगा थीटा, ये छोटा है, और नीचे ले लूँगा पूरा सर्कल का जो एंगल है 360 डिग्री. अब आप इसको समझिए, ये कट कर छोटा हो गया है, ये तरीका होता है. और यदि और छोटा करना है, यदि एंगल थीटा को और छोटा कर देंगे आप, तो 1/4 कर दिया हमने, तो ये और छोटा हो जाएगा. यही टेक्निक हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं जिसकी मैंने आपकी अभी तक पहले चर्चा नहीं की थी. देखिए सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम क्या होगा, ये देखिए सोल्यूशन में हम लिखते हैं let the radius of the circle is equal to 6 centimeter. दूसरा है हमारे पास एंगल ऑफ द सेक्टर. सेक्टर का एंगल, एंगल ए ओ बी इज 60 डिग्री. ओके, सो बट इज आस्क्ड फ्रॉम यू एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सेक्टर. सेक्टर का एरिया आपसे पूछा है, ये आपको निकालना है. हम लिखते हैं बी नो दैट,
एरिया ऑफ द सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर। इसको अपने फार्मूले का मीनिंग समझना है, ये है पूरा सर्कल। और यदि आपने इसको छोटा करना है तो आप सेम यूनिट की चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके जो यूनिट हुए डिग्री हुए और इसके यूनिट भी डिग्री हुए। यदि आपने छोटा करना है तो नीचे वाला जो यूनिट है वो बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला जो यूनिट है वो छोटा होना चाहिए। यूनिट तो सेम ही होगा, जो सेम यूनिट की जो क्वांटिटी है वो डिनोमिनेटर में बड़ी होनी चाहिए और सेम यूनिट की क्वांटिटी जो है वो न्यूमरेटर में छोटी होनी चाहिए, तो ये आंसर घट जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं पाई की जगह आप यूज़ कर लीजिए 22/7 और रेडियस जो है वो 6×6, एंगल जो है वो 60 डिग्री है डिवाइडेड बाय 360, तो ये कैंसिल होके यहाँ 6 आ जाएगा, ये 6 कैंसिल हो जाएंगे एंड योर आंसर इज 132/7। रेडियस सेंटीमीटर में है तो इसके यूनिट हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ द सेक्टर दैट इज़ व्हाट इज़ आस्क्ड फ्रॉम यू। सो इसको आप यहाँ देख सकते हैं कि इस रीजन का जो एरिया है वो ये है, दिस इज नाउ 132, दिस एंगल इज 60 डिग्री, सो दिस एरिया इज नाउ 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। हम सवाल करते हैं, अब आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो ये भी सेक्टर की ही बात है, पर सेक्टर का जो नाम है किसी एक स्टेज के ऊपर आके क्वाड्रेंट बन जाएगा, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और जो गिवन इन्फॉर्मेशन दूसरी है वो है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 22 सेंटीमीटर, राइट। सो सबसे पहले हम एक डायग्राम आपके साथ बना देते हैं, ये रहा आपका डायग्राम सर्कल का जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक सर्कल में जो है वो कलर आपको समस्या करेगा, सो ये रहा वो आपका सर्कल जिसकी हम आपसे बात कर रहे हैं और इसके 4 क्वाड्रेंट होंगे। ये देखिए इसके व्हाट यू हैव स्टडीड, इसमें किसी एक क्वाड्रेंट की बात की है, इसको हम कलर कर देते हैं ताकि आपको चीज साफ दिखे, इसकी एक बात की हुई है, राइट। अब देखिए कि इस जो सर्कल है उसका कोई सेंटर जैसे ओ है, ये वाला पार्ट ए हो गया और ये हो गया पार्ट बी, और ये एंगल ए क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा ये हो जाएगा थीटा इज हेयर 90 डिग्री, राइट। सो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम से। द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज, द सॉल्यूशन इज इन ए सर्कल सी जिसका सेंटर ओ है और कोई रेडियस आर है, तो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है सर्कल की, दैट इज जो सर्कमफ्रेंस है इट इज़ इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। और सर्कमफ्रेंस यदि किसी सर्कल की रेडियस आर हो तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है मैथमेटिकली, दिस इज 2πr इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। आप यहां से आर निकाल सकते हैं, सो आर इज Here R is 22 divided by 2π. This is 11/π cm, right? अब हमसे पूछा है area of the quadrant, so हमें एक quadrant का area निकालना है. So the angle theta is angle made by quadrant. ऐसे लिख देते हैं, angle made by क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट एंगल कितना बनाएगा, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विल बी, अब देखिए आपके पास सारी जानकारी है, पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री, ओके। सो दिस इज पाई, आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज 11/π × 11/π, स्क्वायर है दो बार गुणा करना पड़ेगा, और थीटा की जगह आप 90 डिग्री पुट कर दीजिए और नीचे आपके पास आ जाएगा 360 डिग्री, राइट। सो पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद 121/22 × 7,
और यहाँ से आ जाएगा 1/4, राइट। सो यहाँ से 11 से काट सकते हैं आप, 11 × 11 और 11 × 22, सो दिस इज 77 डिवाइड बाई 8 एज रेडियस इन सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस आंसर इज एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट इज 77 डिवाइड बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई थिंक इट इज ईजी फॉर यू टू डू। थैंक यू। कस द क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज 12.2। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। आपके क्लॉक में तीन सुइयां होती है, सेकंड की सुई, मिनट की सुई और आवर्स की सुई। तो जो मिनट हैंड क्लॉक है, मिनटों वाली सुई की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड क्लॉक इन अ 5 मिनट्स। 5 मिनट में जो आपकी सुई है वो कितना एरिया कवर कर देगी। इसको डायग्राम के हिसाब से आप समझने की कोशिश करें तो आपको बहुत जल्दी से समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये रहा आपका डायग्राम, और यदि इसका कलर जो है वो दूसरा हो जाए तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आएगा। इसको हम दोबारा बना देते हैं। ये रहा आपका सर्कल, और इस सर्कल का सेंटर से, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी जो मिनटों वाली सुई है वो इनिशियली यहाँ है, और 5 मिनट में वो आपकी सुई जो है वो इतना जो एरिया जो है वो कवर कर लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट विल कवर द एरिया इन 5 मिनट्स इक्वल टू दिस, राइट। इसको हम पेंट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से साफ समझ आ जाए, राइट। सो देर इज सम फॉल्ट ओवर हियर। ओके, वेट फॉर अ मिनट। ओके, आई वुड नाउ लाइक टू कलर इट। सी, इतना जगह पूछी है, आपसे पूछा है कि ये एरिया कितना है। तो ये सवाल आपको बहुत साधारण लगेगा, बहुत साधारण। ये हम इसको ओ मान लेते हैं, और ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ये एक सेक्टर है, दिस इज़ ए माइनर सेक्टर। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर ओ ए बी। सो आई वुड लाइक टू मेक इट कलर्ड, राइट। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्ट। ओके, सो देखिए, अब इस जो येलोइश पार्ट है इसका हमने एरिया निकालना। तो ये चीज़ें बड़ी साधारण है। इसका जो हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी वो आ गया 14 सेंटीमीटर, राइट। वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। सो पहले हम गिवन पैरामीटर्स लिख लेते हैं, गिवन सॉल्यूशन पहले लिखते हैं। देखिए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन से हम शुरू करते हैं। हमारे पास है रेडियस, पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ मिनट हैंड। इसको ब्रैकेट लिख देते हैं क्योंकि यही रेडियस होगी। रेडियस ए आ गई 14 सेंटीमीटर, ओके। और टाइम आपके पास दिया हुआ है वो है 5 मिनट्स। टाइम 5 मिनट्स हो गए। अब हम देखेंगे कि बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके हम क्या लिखते हैं। अच्छा, द एरिया स्वेप्ट इन 60 मिनट, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। 60 मिनट में एक सुई कितना घूम जाती है, पूरा एरिया कवर कर लेगी, दैट इज पाई आर स्क्वायर। नाउ एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 60 मिनट। यूनिट आपने वैसे लिखना है,
एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। ऐसे ही हमने इसका फार्मूला ड्राइव किया था, पाई आर स्क्वेयर अपॉन 60 मिनट इंटू 5 मिनट। मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएंगे एंड यू आर लेफ्ट विद 22/7 इंटू आर स्क्वेयर। रेडियस है 14 × 14 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 60, राइट। 5 × 5 12 × 5 = 60, 7 × 7 7 × 2 = 14, 2 × 1 = 2 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 2 × 7 = 14। सो आ जाएगा 154/3, दिस इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस मच एरिया विल बी स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड क्लॉक इन 5 मिनट्स, राइट।